वेरी हैप्पी लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान जितना था जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये जो प्यार मुझे मिल रहा है जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, वेरी थैंकफुल इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलता है। मतलब नसीब मैं हमेशा कोई ये मिलता है अच्छा होता है बुरा होता है हमेशा भी हमारे पास होते और वो देखते हैं और चीज़ों से गुजरना पड़ता है बाकी दुआएं मैंने हमेशा लिखती है माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ जाए। अच्छा स्टेज पे कहना चाहता था मैं कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए तुम साथ ना माँ और साथ तेरा साया था, इतना मशहूर और कितना ही कमाया था वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया। जिस तरह जर्नी आपकी रही आपका आई कार्ड के बाद काफ़ी बदलाव आया आपकी जर्नी बट आपको फैंस स्टैंड बाय रहे आपको किस तरह से देख रहे हैं बट आपकी जो भी है अप डाउन इंडस्ट्रीज से काफ़ी लोगों ने आपको सपोर्ट किया सेलिब्रिटी सपोर्ट किया आज भी मिले आज भी सेलिब्रिटीज आपके नाम ले रहे थे हाउ डू यू सी दिस सपोर्ट। भाई मैं जैसे बोलना चाहूँगा ये ऊपर नीचे होना वाइल्ड कार्ड का आना मैं अपने जब काम का अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ, मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहरा था, मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जब आप किसी प्राइवेट चीज़ में और प्रोसेस में आती है तो उसके लिए रेडी नहीं होते कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते मुझे उन्होंने हमेशा मुझे देखा है बिल्कुल रहेगी क्यों नहीं रहेगी अभी भी रहेगी घर है बिग बॉस का घर बहुत सारे इमोशन से आप गुजरते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूँगा वहाँ पर बहुत सारे इमोशन थे और खास करके दोस्ती को लेकर आपको एक वक्त किसी से नाराज़गी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं तो आपस में दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है बट एट दी एंड आपको रियलाइज़ होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर भी रहते हैं।